हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल कार देखो रे में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गाड़ी की बात करने जा रहा हूं, वो है, हालांकि ओल्ड मॉडल है, ये पुराना लोगो है महिंद्रा का, तो यहां पे आप फिर भी मैं आपको रूबरू करा दे रहा हूं उस गाड़ी के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो S5। तो ये एक बढ़िया सा आपको भोगाली गाड़ी जो कह सकते हैं, हर जगह सभी के दिलों में छाने वाली गाड़ी स्कॉर्पियो। तो ये मैं बात करूंगा इसका फ्रंट लुक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक में आपको सबसे पहले आता है महिंद्रा का जो लोगो है, हालांकि अब लोगो चेंज हो चुका है, उससे जो है आपकी महिंद्रा की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है, सेल और बढ़ गई है। तो पहले आपको आता है यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पे नीचे उसका आप देख सकते हैं ग्रिल, आपको फ्रंट ग्रिल इस तरीके से आपको ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको आते हैं तो यहाँ पे आपको लोअर ग्रिल आपको देखने में, टोइंग हॉक, और नीचे अच्छा खासा ग्राउंड क्लीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। और साइड में बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैलोजन में आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगा, नीचे आपको फॉग लैम्प आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, हालांकि यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको साइड में दिया गया है। और यहाँ पे रियर्स, ये रहा आपको फ्रंट लुक, और साइड लुक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। टायर के साइज की मैं बात करूँ तो टायर का जो साइज है इसका 235/65 R17 इंच का इसमें आपको टायर का साइज है, और आपको इसमें डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट स्टेप आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा साइड में। साइड इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पे फेंडर के पास आपको लाइट्स देखने को मिलेगा, बड़ा सा इसमें आपको ORVM देखने को मिलेगा इसमें, हालांकि कोई ऐसा साइड इंडिकेटर नहीं दिया गया। और यहाँ पे आपको नीचे आपको स्कॉर्पियो की बेजिंग रियर गेट पे आपको देखने को मिलेगा, और ये है आपका फुट स्टेप, ये आप आफ्टर मार्केट और भी अच्छा लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डोर हैंडल्स ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा, और ये है आपका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से। पीछे जो ग्लास दिए गए, बहुत ही बड़ा सा आपको क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं इसमें, आपको यहाँ पे फ्यूल कैप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और इस तरीके से आपको रियर में जो है आपको टेल लैम्प कुछ इस तरीके से आपको टेल लैम्प देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रियर साइड में आपको स्कॉर्पियो S5 की बेजिंग, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा बिगेस्ट लुक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्पॉइलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाइपर्स के जो पानी बाहर की तरफ आता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आपको ग्लास है, यहाँ पे S5 में आपको इस मॉडल में आपको रियर वाइपर नहीं मिल रहा, और यहाँ पे देख सकते हैं फुट स्टेप आपको चढ़ने के लिए ये आपको दिया गया, क्योंकि इसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा। पीछे आपको रिफ्लेक्टर आपको दिया गया, सेंसर आपको यहाँ पर ही दिए गए हैं रियर के साइड में, ट्विंग हॉक दिए गए हैं आपको इस पर। और यहाँ पे जो हैंडल्स दिए गए, यहाँ ब्लैक कलर में आपको रियर में इंटर करने के लिए आपको हैंडल्स दिए गए। रियर में भी आप बात करें, यहाँ पे आप लोगो महिंद्रा का और पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपका ये आपको साइड लैंप के ऊपर कवर देखने को मिलेगा। और इसके रियर प्रोफाइल की मैं बात करूँ, कुछ इस तरीके से आपको रियर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा सा बोल्ड लुक जो कि दमदार। और रियर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो हालांकि ऑनर ने इसमें कुछ सामान वगैरह रखे तो एक नॉर्मल सा आपको ज़्यादा कुछ बोल्ड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा सा टेल गेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे लैंप आपको है यहाँ पे पीछे साइड, और यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया गया। और स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ये सीट आप फोल्ड भी कर सकते हैं और अनफोल्ड दोनों कर सकते हैं, बैठने के हिसाब से आप अगर बैठना है तो फोल्ड उसको ओपन कर लीजिए, और नहीं बैठना है तो अनफोल्ड कर दीजिए, इससे आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं बात करूँगा इसके इंटीरियर के लुक के बारे में, इंटीरियर में किस तरीके से लुक है इसको। साइड प्रोफाइल में तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों साइड से आपको मैं दिखा दिया, और रियर के अंदर जो केबिन के अंदर है क्या लुक है किस तरीके से, यहाँ पे आपको साइड में MHONG D140 का आपको यहाँ बेजिंग देखने को मिलेगा। और ये रहा इसका साइड प्रोफाइल। अब इंटीरियर में बात करेंगे इंटीरियर में क्या है, हालांकि इसमें रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा,
और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा इसमें, ये देखिए। आगे बने रहिए वीडियो में और चलते हैं इसके अंदर केबिन में। तो यहाँ पे केबिन आप जैसे ही खोलते हैं तो गेट पे आपको कुछ इस तरीके से लुक फाइबर में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का हैंडल ओपन करने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंट्रोल आपको चारों विंडो में मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक हैंडल दिया गया, नीचे आपको स्पेस बोतल या कुछ पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। स्पीकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर केबिन में, तो केबिन में कुछ ऐसा सा इस तरीके से लुक आपको देखने को मिलेगा। केबिन में देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ही एसी के विंड्स दिए गए हैं, और फिर इसके बाद आपको स्पीडोमीटर पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और फिर आपका जो गोल सा इनका बड़ा सा स्टेयरिंग है वो आपको स्टेयरिंग व्हील इस तरीके से देखने, बीच में आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हालांकि एयरबैग प्रोवाइड है, और हॉर्न की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से हॉर्न आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड है। और यहाँ पे आपके सीट मैं बात करूँ तो सीट भी इसका काफ़ी कंफर्टेबल, और अंदर से जो बेस मिलता है ना बहुत ही ज़्यादा दबंग वाला लुक आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे बात करूँ एसी के विंड्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड भी अच्छा खासा फाइबर पे आपको ब्लैक कलर का ड्यूबल टोन में आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लो बॉक्स यहाँ पे दिया गया, जो अच्छा खासा स्पेस है ग्लो बॉक्स पे भी। और इस यहाँ पे आपको IRVM मिरर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एसी के विंड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम, या यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल मैनुअल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पावर बोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स देखने को, गियर लीवर यहाँ पे इस तरीके से आपको ब्लैक कलर का आपको है। यहाँ पे आप मोबाइल के रबर ग्रिप भी है, मोबाइल वगैरह फिसलेगा नहीं अगर आप मोबाइल रखते हैं तो। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे इस तरीके से है, और यहाँ 2 कप होल्डर्स आपको अच्छा खासा स्पेस है। हालांकि हैंड रेस्ट तो नहीं है बट ठीक है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, और अंदर से जब बैठते हैं तो बाहर की तरफ अजीब सा फील होता है। तो ये रही इसका फ्रंट लुक के बारे में। और सीट की बात करूँ, एडजस्टेबल सीट है, आपको अपने हिसाब से मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ नीचे आपको 3 पैडल्स दिए गए हैं। और इसके जो रियर साइड है उसकी मैं बात करूँ तो रियर साइड में भी आपको स्पेस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये है रियर साइड का जो गेट है आपको कुछ इस तरीके से है। हैंडल में आपको यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक विंडो रोल डाउन करने के लिए दिया गया, यहाँ पे आपको गेट अनलॉक करने के लिए दिया गया, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स दिए गए हैं गेट पे रियर साइड में। और यहाँ आप देख सकते हैं स्पेस की मैं बात करूँ तो स्पेस इसमें अच्छा खासा स्पेस है, नो डाउट बहुत ही प्यारा सा स्पेस में बहुत ही अच्छा। और हेडरूम भी इसमें, हेडरूम की मैं बात करूँ, हेडरूम भी इसमें आपको अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कितना ऊंची गाड़ी है, बहुत ही अंदर से अगर बैठते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पैर जो रखने का स्पेस है वो बहुत कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको ग्रिप हैंडल यहाँ साइड में मिलेगा। रूफ में आपको यहाँ पे एक ही लाइट्स मिलेगी पूरे रूफ में, और रियर साइड में आपको यहाँ पे आपको एक लाइट्स रूफ में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और ये है आपका रियर का लुक कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप पीछे का केबिन इस तरीके से। तो स्पेस के मामले में बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और जहाँ तक हो सके इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और ये जो ग्लास है आपका, यहाँ से आप लीवर दिया गया है, यहाँ से आप ग्लास को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लुक है स्कॉर्पियो S5 का, और ये आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन करते हैं तो ये आपको इंडिकेट करता है। और जो ये लुक है मैं बाहर से आपको दिखा दूँ। स्कॉर्पियो में एक चीज़ सबसे अच्छा है, जो इसका जो बोनेट है ना बहुत बड़ा और भारी है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस एक पुल कीजिए हल्का सा ऊपर की तरफ, बोनेट अपने आप ऊपर की तरफ जाएगी, और अच्छा सा आपको इंजन का बड़ा सा लुक आपको देखने को मिलेगा। महिंद्रा की जो इंजन होती है बहुत ही ज़्यादा हेवी होती है, और बहुत ही ज़्यादा दमदार और
माइलेज के साथ आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये है इंजन का लुक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोनेट पे आपको टू स्कोप दिए गए जो कि बोनेट को ऊपर की तरफ पुश करता है हाइड्रोलिक में। आपको यहाँ पे बंद भी करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से प्रेस कीजिए नीचे की तरफ और ये आपका क्लोज। और ये है आपका महिंद्रा S5 स्कॉर्पियो का S5 मॉडल। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन करें। तो एक बार तो यहाँ पे बड़ा सा आपको ग्लास देखने को मिलेगा, ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिलेगी, और रूफ भी बहुत ही बड़ा सा है छत इसका, और एंटीना है आपको, और यहाँ पे आपको एयर एग्जॉस्ट जो कि आपको इंजन को कूल बनाए रखने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा आपको बोनट की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये है आपका महिंद्रा की स्कॉर्पियो S5 का लुक। तो कैसे लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन करें और अपनी राय ज़रूर दें, ताकि और भी मैं आगे आपको नए नए वीडियो आपको देता रहूं, और आपका प्यार हमेशा मेरे पे बना रहे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो आपको अपडेट होता रहे, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो थैंक यू माय वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच।